हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आज आपका स्वागत है हमारी टेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को नए वित्त वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ रामनवमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी की वजह से 2 अप्रैल को बाजार बंद रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की, यानी 1 अप्रैल के बाजार की। तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी आज ओपन हुआ 8584 पर, और निफ्टी ने 8588 का हाई लगा के इमीडिएटली, और फिर उसके बाद निफ्टी में एक सेलिंग आ गई, जो प्रॉफिट बुकिंग जो कि निश्चित थी यानी, और क्योंकि निफ्टी वीक है, और उसके बाद निफ्टी ने 8198 का लो लगाया और फिर थोड़ी रिकवरी करके 8254 पर फाइनली क्लोजिंग दी। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ अगर हम बात करें कल की, तो कल निफ्टी के लिए अगर हम बात करें, निफ्टी में अभी वीकनेस है और निफ्टी एक वीकनेस फर्दर अभी और दिखा सकता है, तो हम आगे 8000 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है निफ्टी, और हो सकता है 8000 के लेवल को तोड़ दे और 8700 तक के लेवल भी आपको निफ्टी कल दिखा सकता है। तो निफ्टी के लिए कल की रेंज की बात करें तो कल 8500 से 8900 तक की रेंज कल निफ्टी में रह सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 19122 पर, और बैंक निफ्टी में वही 19154 का हाई लगा के, और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई और बैंक निफ्टी ने 18042 तक का लेवल टच कर दिया और फाइनली 18208 पर क्लोजिंग दी। तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, अगर हम कल यानी 3 अप्रैल के लिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी वीकनेस दिखा रहा है और ये फर्दर एक वीकनेस और दिखा सकता है, और यहाँ से बैंक निफ्टी हम एक रेंज में बात करते हैं तो 18700 से 17700 की रेंज बैंक निफ्टी में रह सकती है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं अपने व्यूअर्स के सवालों की। हमारे व्यूअर्स ने कुछ सवाल हमें भेजे हैं, तो हम सारे सवाल तो नहीं ले सकते, कुछ सवाल हम ले रहे हैं। इसमें पहला सवाल है हमारे व्यूअर वंश कटारिया जी का, जो उन्होंने भेजा है NBCC पर 4000 शेयर इन्होंने लिए 40 रुपये के भाव पर। तो वो पूछते हैं क्या करना चाहिए। अगर हम वंश जी मैं बात करूँ टेक्निकली, तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है बहुत ही वीक नज़र आ रहा है। स्टॉक में 47 के आसपास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि स्टॉक ने जुलाई 19 में तोड़ दिया था, और उसके बाद अभी 14 रुपये का लो लगाया स्टॉक ने और अभी 16 रुपये के आसपास चल रहा है। तो नियर टर्म में स्टॉक में कोई बड़ी रैली की कोई गुंजाइश तो नहीं लगती है, और स्टॉक मेरे मुझे लगता है कि 11 रुपये या 10 रुपये तक भी टच कर सकता है। तो अगर आप, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 साल इसको होल्ड करना चाहिए, और साथ ही साथ 10 या 11 रुपये के आसपास आए तो उससे आप एवरेज भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है विजय झा जी का, जो उन्होंने सुजलॉन एनर्जी पर पूछा है, जो कि उनका एवरेज प्राइस है 6 रुपये का। विजय जी, मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि इस तरह की कंपनियों से थोड़ा दूर रहें जिनमें हाई डेट होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा लोन होता है, उन जैसी कंपनियों से थोड़ा दूर रहें। ऐसी कंपनियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इस, और खासकर इस तरह का जो माहौल है आज का, जैसे माहौल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो इस तरह के केस में जो हाई लीवरेज्ड कंपनी होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सुझाव तो यही होगा, जब भी कोई उछाल मिले तो स्टॉक में से निकल जाएं, और साथ ही आप अगर चाहें तो रेल विकास निगम लिमिटेड जैसे एक अच्छे स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपके भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम, अपने स्टॉक का नाम, क्वांटिटी, रेट और क्या होल्डिंग पीरियड है, वो आप सब हमें लिखें, जिससे हम आपको अगले एपिसोड में उस स्टॉक के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।